नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जांगड़ा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा वीडियोस में देरी के लिए, और दोस्तों आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स मुझे मिले जिनमें आप लोगों ने टेक्सचर के बारे में और लेयर्स के बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझसे सीखने के लिए लिखा। तो दोस्तों ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, पर उससे पहले जो टूल्स की 5 से 6 वीडियो मेरी पेंडिंग है जिसमें मैं आपको पूरे टूल्स कवर करा दूंगा। इससे क्या होगा, आपका 40% के आसपास फोटोशॉप कवर हो जाएगा और जो बाकी सब चीजें बचेंगी वो जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप जैसे ही आपके टूल कवर हो जाएंगे उसके बाद आप फोटोशॉप काफी फास्ट सीख पाएंगे। अब टूल्स की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल्स में दोस्तों क्या क्या होता है, जैसे कुछ फोटोज आप साइड में यहाँ देख रहे होंगे, ये सब हम ग्रेडियंट टूल से कर सकते हैं और इसका बेसिक यूज क्या क्या हम कर सकते हैं वो सारा मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं ग्रेडियंट टूल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, इस पेंट बकेट टूल के अंदर ही हमें ग्रेडियंट टूल मिल जाता है। हम इस पे क्लिक करके या फिर जी प्रेस करके भी ग्रेडियंट टूल ले सकते हैं। तो ग्रेडियंट टूल लेने के बाद ये देखिए, आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके उसे इस तरह से ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे, जहां भी ले जाके आप इसे छोड़ोगे ये उसी डायरेक्शन में ग्रेडेशन बना देगा। दोस्तों ग्रेडियंट टूल में अगर हम चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है हमारा फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे अगर मैं रेड कलर ले लेता हूँ और इसके बैकग्राउंड कलर में भी मैं अगर ब्लू कलर ले लेता हूँ, और अब इस टूल का मैं यूज यहाँ करके देखता हूँ तो ये देखिए अब इसने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को मिला के यहाँ पे ग्रेडेशन तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप जितने भी कलर में चाहें इसमें ग्रेडेशन बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस टूल के ऑप्शन बार पे। इस टूल के ऑप्शन बार पे जाते ही आप देखेंगे इस विंडो के अंदर आपको काफ़ी कस्टम ग्रेडियंट रेडी मिलेंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए इनमें से अगर मैं कोई भी टूल चाहूँ उसका यूज कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ग्रेडेशन बने हुए हैं जिनका भी मैं चाहूँ अपने अकॉर्डिंग यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल ग्रेडेशन ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने डी प्रेस किया है तो ये फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर अपने एक्चुअल कलर में आ जाते हैं। तो दोस्तों आगे हमें इसमें मिलता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट से क्या होता है, जो अभी तक हम यूज करते आए हैं वो लीनियर ग्रेडियंट है। ये देखिए डार्क से लाइट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट हमें इसमें मिलता है रेडियल ग्रेडियंट। ये देखिए इसका भी हम यूज इसमें कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूँ और थोड़े स्मॉल साइज में इसको बनाता हूँ, तब आपको ये अच्छे से दिखेगा इसमें। ये देखिए इस तरह से ये राउंड ग्रेडियंट इसमें बनाता है। ये सभी टूल्स एक्चुअली आपकी ग्रेडेशन को शेप देने के लिए यूज में लाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें मिलता है एंगल ग्रेडियंट। ये देखिए एंगल ग्रेडियंट को भी मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ये देखिए ये डार्क से होते होते एकदम से लाइट उसी एंगल पे आ जाता है। ये इस तरह से एंगल ग्रेडियंट में काम करता है। इसमें अगर आप कलर चेंज करके इसका यूज करके देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अभी मैंने ये टूल इसमें लिया है और ये इस ग्रेडेशन के साथ ये देखिए ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्रेडेशन लेके इसका यूज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमें मिलता है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट का यूज भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए अगर इसको ज़्यादा बड़े हिस्से पे हम यूज करेंगे ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और छोटे हिस्से पे ले जाते हैं ये कुछ इस तरह से आता है। नेक्स्ट इसमें हमें मिलता है दोस्तों डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट एक डायमंड की शेप में हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद हमें आगे मिलता है इसमें मोड। मोड दोस्तों मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि मोड्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। मोड्स में
दोस्तों ये देखिए इसमें हमें काफी मोड्स मिलते हैं, अभी तक हम नॉर्मल मोड यूज करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम चाहें कोई भी मोड इसमें चेंज करके देख सकते हैं, जैसे अभी मैं मल्टीपल मोड आपको करके इस पे दिखा देता हूँ। ये देखिए मल्टीपल मोड में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ओवरलैप होते हुए आ जाएगा। इसी तरह से इसमें काफी मोड दिए गए हैं जिसका आप यूज करके देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए स्क्रीन मोड पे मैं अगर करूँगा, ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है पर वो आपस में मर्ज होके कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप इसी तरह से इन सभी मोड्स का यूज करके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा इसमें नॉर्मल ग्रेडियंट ले लेता हूँ और ये लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। आगे दोस्तों हमें इसमें मिलता है ओपेसिटी। ओपेसिटी भी दोस्तों मैं काफ़ी टूल्स में आपको बता चुका हूँ, किसी भी कलर के रेशो को हमें कितना रखना है, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आप देखना चाहते हैं तो इसको आप कम कर सकते हैं, और उसको अगर आप पूरी डेप्थ के साथ कंप्लीट 100% देखना चाहते हैं तो इसको 100% पे रख सकते हैं। जैसे कि इसी बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं इसे यूज करता हूँ, ये देखिए 100% के साथ इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है। इसने बैकग्राउंड में जो कलर हमारे थे उन सबको रिमूव कर दिया है और उसके ऊपर ये आ गया है। अब इसे अंडू कर देता हूँ मैं और यहाँ पे ओपेसिटी मैं इसकी कम कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसके ऊपर यूज करूंगा तो इसकी ओपेसिटी कम होने पे इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, और इसे मैं दोबारा 100% कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें मिलता है रिवर्स। रिवर्स से क्या होता है ये देखिए, मैं इसमें कोई और ग्रेडियंट यूज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं ये ग्रेडियंट ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आया है ब्लू रेड येलो। अब मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूँ और दोबारा इसको इसी पे अप्लाई करता हूँ। अब दोस्तों क्या हुआ, इसने इसको रिवर्स कर दिया, जैसे पहले ब्लू लेफ्ट था अब ब्लू राइट हो गया है। ये इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों हमें मिलता है डिथर। डिथर में क्या होता है, जो कलर ये देखिए ये कलर एक दूसरे में मर्ज होते हुए आगे जा रहे हैं, और ये इनके अंदर क्या होता है बहुत ही बारीक पिक्सल्स होते हैं। ये देखिए मैं इसको पूरा जूम करूंगा, ये सभी पिक्सल्स हैं जो आपस में मिलके काम करते हैं। और अगर मैं डिथर यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ, इसमें क्या होता है जो इसकी स्मूथनेस है, अभी तक जो हम ग्रेडियंट यूज कर रहे थे उसकी स्मूथनेस ये कम हो जाती है। इसमें आप इतना अच्छे से इस पे देख नहीं पाएंगे स्क्रीन पे, पर ये इसके जो पिक्सल्स हैं उनको अच्छे से मर्ज नहीं होने देता, इसलिए इसको यहाँ पे टिक ही रहने दें। इसके बाद दोस्तों हमें आगे इसमें मिलती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का इसमें क्या रोल है, उसके लिए मुझे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। आप देखिए मैं ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ये देखिए अभी क्या है, मेरा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और मैंने जब इसके ऊपर इसे यूज किया तो मेरा बैकग्राउंड कलर भी मुझे दिख रहा है, यानी ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे काम कर रही है। अब मैं इसे यहाँ से अनटिक करता हूँ और अब दोबारा इसको अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये देखिए ये यहाँ पे सॉलिड हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से खत्म हो गया। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी पे हमें टिक रखना है और उसके साथ ही हम ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे इसके ऑप्शन बार में जो ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका हम यूज इसके साथ साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने इसके ऑप्शन बार में जो ऑप्शंस थे उनके बारे में सीखा। अब इससे आगे हम इसमें क्या सीखेंगे, ये देखिए अगर आप चाहें तो आप अपने खुद के ग्रेडियंट्स भी इसमें बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाके इस विंडो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे सामने ग्रेडियंट एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ये देखिए इसमें जैसे इतने ग्रेडियंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी तरह से हम अपने खुद के ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो ग्रेडियंट हम यूज करके देख रहे थे वो सब इन्हीं सेटिंग्स पे था जिनको हम यूज कर रहे थे, जैसे इसकी स्मूथनेस यहाँ पे 100% है, ग्रेडियंट टाइप सॉलिड है यहाँ पे, और इसी तरह से ये देखिए चार स्लाइडर यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें इनका यूज क्या होता है दोस्तों, अभी
ये ग्रेडियंट जैसे नॉर्मल हम ग्रेडियंट यूज कर रहे थे उस सेटिंग पे है। इसको अगर हम चाहे तो यहां से ये देखिए कम या ज्यादा भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा चाहिए, और ये देखिए यहाँ से इसकी ब्राइटनेस आपको जितना कम करना आप कर सकते हैं, और इसको आपको अगर बढ़ाना है आप बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको एक और स्लाइडर इसमें ऐड करना है तो आप इसके जस्ट साइड में क्लिक करके ये देखिए, अगर आप ये व्हाइट था यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो व्हाइट बीच में आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे एक और स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि इसमें मुझे एक और स्लाइडर ऐड करना है तो आप जस्ट उस पर क्लिक करें, पर अभी जैसे ये ब्लैक ही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करके ये देखिए कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं। इनमें से किसी भी स्लाइडर पे आप क्लिक करके उसमें कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए आप कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये देखिए जितनी बार मैं इस स्लाइडर से अलग यहाँ पे क्लिक करूंगा एक और स्लाइडर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये अभी एक एक्स्ट्रा स्लाइडर यहाँ पे आ गया है और दोनों एक ही कलर में है और मुझे इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट इस पे क्लिक करें और इसको कहीं भी साइड में ऐसे ड्रैग कर दीजिए और ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी स्लाइडर को डिलीट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, ये होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या होता है, हम किसी भी चीज की डार्कनेस और उसकी लाइटनेस दोनों को ही कंट्रोल करते हैं। अभी देखिए इन दोनों में ही हमें फोरग्राउंड कलर नजर आ रहा है, तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके यहाँ से ये देखिए बैकग्राउंड कलर ले लीजिए उसमें, तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे शो करेगा और आप इस तरह से उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इतने हिस्से पे इसकी ओपेसिटी हमने डार्क कर दी है, और अगर इसको हम यहाँ पे कम करेंगे तो ये देखिए जितनी ट्रांसपेरेंसी आप चाहे तो इसकी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी ओपेसिटी काम करती है। और आप इसे फोरग्राउंड कलर लेके, अब ये सॉलिड हो गया है, इसमें जो भी ग्रेडियंट आप बनाएंगे वो यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। देखिए आपका ग्रेडियंट जो आपने अभी बनाया है वो यहाँ पे आ गया है, और आपको क्या करना है, ओके कर देना इसे। ये देखिए आपका ग्रेडियंट यहाँ पे आ गया है। अब जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ग्रेडियंट टूल के, आप उनका यूज बारी बारी करके देख सकते हैं इससे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, और ये देखिए इसमें अगला ऑप्शन भी हम इसमें यूज करके देखते हैं। ये देखिए उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें यूज करके देखते हैं। अभी ऐसे ही नेक्स्ट, और ऐसे ही है डायमंड में भी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना मनचाहा ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम वो देखते हैं। दोबारा इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और अभी तक जो हम यूज कर रहे थे ये सारा सॉलिड था, इसी के अंदर हमें मिलता है नॉइस। तो दोस्तों नॉइस पे जाते ही हमें काफी ऑप्शंस इसमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन हमारा है रफनेस। रफनेस क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इसकी रफनेस, जैसे अगर मैं कम करूंगा तो ये स्मूथनेस यहाँ पे बढ़ जाएगी, और अगर इसको ज्यादा करूंगा तो ये देखिए कलर की रफनेस यहाँ पे, यानी इसको कलर ज्यादा हार्ड हो जाएंगे और अच्छे से वो दिखाई देने लगेंगे। और आपस में मर्ज करना है तो आप इसको 50 पे रख सकते हैं, तो इस तरह से ये कलर आपस में स्मूथ होके यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी जो हम कलर यूज कर रहे थे वो आरजीबी में ही था। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहां मिलता है रिस्ट्रिक्ट कलर। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब रिस्ट्रिक्ट कलर से क्या होता है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। ये देखिए पहले मैं यहाँ पे कलर का रेशियो अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, और ये देखिए ये मैंने कर लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं इसको रैंडमाइज करूंगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए जितने ही ये रेशियो मैंने यहाँ पे जो कलर्स का लिया है ये उसके अंदर ही वर्क करेगा, उससे बाहर ये नहीं जाएगा। अब आरजीबी में ये इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं एचएसबी। एचएसबी क्या होता है दोस्तों,
ये होता है ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। ये देखिए इसमें अब मैंने ये कलर लिया अपना थोड़ा सा ग्रीन की तरफ, और यहां से होते होते ये मैंने ये इसको थोड़ा सा मैं ब्लू पे ले लेता हूँ, और इधर से मैंने इसका सैचुरेशन भी और इसकी ब्राइटनेस भी थोड़ा सा इसको डार्क भी कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद मैं दोबारा रैंडमाइज पे जा रहा हूं, और ये देखिए जो कलर हमारे इस सेटिंग के अंदर है ये सिर्फ उन्हीं पे वर्क करेगा, उससे बाहर ये नहीं जाएगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमें मिलता है एड ट्रांसपेरेंसी, इस पे क्लिक करते ही जो कलर्स यहाँ पे हमने लिए थे उसका बैकग्राउंड हट जाएगा और वो जो कलर ऊपर है वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी रफनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि कलर और ज्यादा अच्छे से यहाँ दिखाई दे। ये देखिए मैं इसकी रफनेस अभी 100% ही कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं अपना, और यहाँ न्यू पे क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे मैंने अभी ये ग्रेडियंट मेरा बनाया है उसको अगर आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए सेव यहाँ से करेंगे, ये GRD फाइल बनाएगा, डेस्कटॉप पे हम जाएंगे। ये देखिए मेरी एक पहले भी यहाँ पे फाइल है, तो मैं यहाँ पे 001 ऐड किया, मैंने सेव मैंने कर दिया। तो इस तरह से मेरी कोई भी ग्रेडियंट को मैं सेव कर सकता हूँ और उसको मेल भी कर सकता हूँ अगर आपको किसी को भेजना है। तो अभी मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, और ये देखिए ये मेरा ग्रेडियंट बन के यहाँ पे रेडी है, और इसका यूज करके देखेंगे हम। ये देखिए अभी मैंने डायमंड ग्रेडियंट यहाँ पे लिया हुआ था, इसके अलावा मैं बारी बारी सभी ग्रेडियंट पे इसे यूज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए देखिए एंगल ग्रेडियंट पे भी आपको काफी अच्छे से ये देखिए चीजें बना के देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्रेडियंट टूल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ग्रेडियंट टूल, आई होप कि आपको ग्रेडियंट टूल का यूज अच्छे से समझ में आया कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले कि आप जो वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ एक एक चीज़ बारीकी से, वो आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।